चलिए मैं आपको घर छोड़ता हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर। ओके वेलकम। माम करण का मैसेज आया है, उन्होंने पापा को बेल दे दिया है। शुक्र है भगवान का, मैं जानती थी करण मेरी बात कभी नहीं टालेगा। करण थैंक यू। इसकी कोई जरूरत नहीं और आपकी हेल्प मैंने अपनी मर्जी से नहीं की। एंड आई एम श्योर आपको पता होगा कि किसके कहने पे मैंने ऐसा किया। शारदा ने चलता हूँ जल्दी में। करण तुम्हें कोई जॉब मिली? मिल गई और आज उस जॉब का पहला दिन, लेकिन अगर टाइम से नहीं पहुंचा तो शायद आखिरी भी हो सकता। नो नो ऑल द बेस्ट। और हाँ, ये जॉब करण को मिली, करण मोदी को नहीं। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कुछ लोग आपके नाम के बिना भी अपनी पहचान बना सकते हैं। सुरेश मोदी, आपने जो किया है उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। माँ, फैक्ट्री के लिए जो सामान चाहिए ना, उसकी पूरी लिस्ट मैंने बना दी है, पर अच्छे वर्कर्स हमें कहाँ मिलेंगे? वो तो मुझे भी नहीं पता बेटा। चलिए माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं न्यूज़पेपर में ऐड दे दूंगी। गरीबी बहुत बुरी चीज होती है। शारदा जी, आप इन औरतों को देख रहे हैं? इनमें से कुछ औरतें अपनी चाली की हैं, किसी का मर्द नहीं कमाता है, तो किसी का छोड़कर चला गया। सबको पैसे की जरूरत है। एक मिनट बेटा, मैं अभी आई। अब माँ आप कहाँ जा रही हैं? अभी आ रही हूँ मैं। अरे माँ, नेहा जी, अच्छा वो आप यहाँ मिल गई। पुलिस स्टेशन पे क्या हुआ? होना क्या था, छोड़ दिया है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। संजय वर्मा काफी पावरफुल इंसान है, पैसे खिलाएगा और सारा केस रफा दफा हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे? पता नहीं, ना हमारे पास काम है ना हमारे पास पैसा है, कैसे होगा सब कुछ? नई जॉब मिलने में भी कुछ टाइम लगेगा। नेहा जी, मैं एक काम शुरू करने वाली हूँ, अगर आप सब लोग चाहें तो आप मेरे साथ काम कर सकती हैं। सच? शारदा जी, हम सब आपके साथ हैं। हाँ, कहने से पहले आप पूरी बात सुन लीजिए। वो क्या है कि अभी मैं ये काम सिर्फ शुरू करने वाली हूँ, तो उस वजह से मैं किसी को तनख्वाह नहीं दे पाऊंगी, पर जब हम पैसे कमाएंगे ना तो हम सब साथ में बांट लेंगे। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ शारदा जी, लेकिन 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 क्या? लेकिन ये बताइए कि हमें काम कब से शुरू करना है? बहुत जल्द। और ये कंपनी सिर्फ मेरी नहीं होगी, हम सब की होगी, हम सब आपके साथ हैं। अरे माँ, आप एकदम से ऐसे कहाँ चले गए? तेरी परेशानी दूर करने। तेरी परेशानी? तू पूछ रही थी ना हमारी फैक्ट्री के लिए वर्कर्स कहाँ से आएंगे, मैंने उसका इंतजाम कर लिया है। मैं नेहा जी से मिलकर आ रही हूँ। वो जो औरतें थी ना जिन्होंने मोर्चे में हिस्सा लिया था, वो सब बहुत परेशान हैं। उनके पास नौकरी नहीं है, पैसे भी नहीं हैं,
मैंने उन सबको कह दिया है कि वो हमारी फैक्ट्री में काम कर सकती हैं। माँ ये बहुत अच्छी बात है लेकिन लेकिन उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है माँ, उन्हें कुछ नहीं पता, वो आपके साथ काम कैसे करेंगी? साक्षी एक्सपीरियंस तो मुझे भी नहीं है, पर जब कुछ कमजोर लकड़ियां एक साथ बनकर कठड़ बन जाती है ना तो उनमें बहुत ताकत आ जाती है, वो किसी भी चीज का सामना कर सकती है। तो देखना हम सब मिलकर भी हर चीज का सामना कर लेंगे। हाँ मैं समझ रही हूँ आप उनके लिए कुछ करना चाहती हैं, लेकिन शायद उनमें वो हुनर है ही नहीं, अगर उन्हें काम ही नहीं आता तो वो काम कैसे करेंगी माँ? बेटा देख जो चीज हम नहीं जानते ना उसे ही तो हम सीखते हैं। मुझे अब थोड़ा थोड़ा पढ़ना आ गया है और तुझे भी, जली हुई सही पर दाल बनानी तो आ गई है ना, वो सब भी धीरे धीरे सब सीख जाएंगी। बेटा तूने मेरा हर चीज में बहुत हौसला बढ़ाया है, हम दोनों मिलके उन सबका हौसला बढ़ाएंगे। ठीक है माँ, हम उन्हें जॉब दे देंगे पर सैलरी कैसे देंगे? बेटा वो सब बात मैंने उनसे कर ली है। देख हम पहले काम करेंगे और फिर कमाएंगे, वो सब मेरे लिए काम नहीं करेंगे, वो सब अपने लिए काम करेंगे। ये सिर्फ मेरी कंपनी नहीं होगी, हम सबकी कंपनी होगी। और देखना बहुत जल्द हम सबको अपनी नई पहचान मिल जाएगी। हाँ अगर आप जैसी गुरु हो तो सबको एक नई पहचान जरूर मिलेगी। मैं कितनी परेशान थी, किसी ने मुझे फोन करके बताया भी नहीं कि आप पुलिस स्टेशन पे हैं। Dad, trust me, अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं आपको एक पल भी वहां नहीं रहने देता। It's okay, बेटा। चलो, तुमने मेरी खबर तो ली। It's okay. महेश तुम कैसे आ गए? क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है? तुमने तो पूरी तैयारी कर ली थी ना मुझे वहीं जेल में रखने की। शट अप महेश, कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि मैंने ही तो तुम्हें वजह दी है ऐसा करने की, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा करना ही था तो सामने से बोलकर करती, चोरी छुपे करने की क्या जरूरत है? मैं लॉयर के साथ तुम्हारे बेल की तैयारी करी और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि जितना तुमने किया है उतना काफी है। ट्रस्ट कर सकते हो तो करो, मैं झूठ नहीं बोलती। शायद तुम्हारी शारदा ने ये सब किया हो। शारदा ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। तुम उसे अच्छी तरह जानते हो लेकिन मुझे नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती पर मैं कर सकती हूं। वाह क्या बात है। फाइन, अगर हमारे ट्रस्ट की बुनियाद यहीं तक थी तो यही सही, अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते तो मैं भी तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। मैं चाहती हूं कि तुम सारा बिजनेस मेरे नाम पर कर दो। सब कुछ तुम्हारा ही तो है पल्लवी, शारदा ने तो खुद ही कहा था कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं कहीं सुनी बातों पर यकीन नहीं करती, जो मेरी चीज है वो मेरे नाम पर होनी चाहिए कानूनी तौर पर। ठीक है अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ये हो जाएगा, लेकिन इसके लिए पहले मुझे शारदा के सिग्नेचर्स चाहिए। तुम कब आई? फाइन मैं अभी आती हूं। किसका फोन था?
तुम्हें इससे मतलब? शनाया? मॉम, मॉम आप, मॉम आप आ गई। आई टोल्ड यू ना कि मैं डैड को पनिश करवाऊंगी। सी मैंने कर दिया, अब तो आप खुश हो ना मॉम? मॉम आपने मुझ पर हाथ उठाया किस लिए मॉम? इसलिए क्योंकि मैं आपका साइड दे रही थी, इसलिए क्योंकि आपके साथ हुआ इनजस्टिस के लिए मैंने डैड को सजा दिलवाई। बाय। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ। लेकिन मॉम मैं सिर्फ आपकी मदद कर रही थी। मदद? इसे मदद नहीं बेवकूफी कहते हैं। तुम्हें आइडिया है कि मेरी तरफ से तुमने अपने डैड के अगेंस्ट कंप्लेन करके खुद एक क्राइम किया है, किसी और की आइडेंटिटी क्लेम करके तुमने रिपोर्ट कराई है, तुम पर केस हो सकता है। तो चलने दीजिए ना मॉम, आई डोंट केयर। किस मिट्टी की बनी है आप? डैड ने आपको सारी जिंदगी धोखा दिया, इतनी चोट पहुंचाई, आप अभी उन्हें टॉलरेट कर रही हैं? व्हाई? क्यों मॉम, क्यों? मॉम मैं आप नहीं हूं। I just can't stand कि my dad is a cheater. I'm sorry, Shana. I'm really sorry. गुस्से में मैंने तुम पर हाथ चलाया। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है मुझे महेश को सजा देनी है और मैं उसे सजा दूंगी, लेकिन इन सब बातों के लिए तुम बहुत छोटी हो। इन सब चीजों से दूर रहो शनाया। सॉरी मॉम। इट्स ओके। चलो अब बैग पैक कर लो और मेरे साथ रहने आ जाओ। नो मॉम, मैं डैड के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। आई हेट हिम। मैं समझ सकती हूँ, मेरे लिए भी ये आसान नहीं है, और मैं तुम्हें नहीं कर सकती शना। मॉम आप समझती क्यों नहीं है? डैड ने आपकी सारी जिंदगी फायदा उठाया, आपको इतनी चोट पहुंचाई, आपको धोखा दिया। मॉम नाउ इट्स योर टर्न, अब आपकी बारी है उन्हें पलट के जवाब देने की। मुझे जो करना है मैं तय कर चुकी हूँ। हेलो। हेलो शारदा, मैं बोल रही हूँ। अब जो मेरा है वो लौटाने का वक्त आ गया है। जो मेरा था वो सब तो तुम ले ही चुकी हो, अब और क्या चाहिए? कल सुबह तुम ऑफिस आओगी और सारी प्रॉपर्टीज पर अपना हक छोड़ दोगी। सारी प्रॉपर्टीज अब मेरे नाम ट्रांसफर होंगी। ये बात वो जानते हैं? सारे पेपर्स महेश के ऑफिस में ही साइन किए जाएंगे। सुबह 11 बजे आ जाना। ये कॉल मेरा वकील भी कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा ये खबर मैं तुम्हें खुद दूंगी। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। बदला ऐसे लिया जाता है, लीगल। हेलो मिस्टर करण जी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम शगुन टेक्सटाइल्स। आप ऑफर लेटर लेकर अभी ज्वाइन करने वाले थे ना? सर इज वेटिंग फॉर यू। आई एम सो सॉरी, बस मैं पहुंचने वाला हूँ।
थैंक यू सो मच भैया, थोड़ी जल्दी चलाइए ना। ये पल्लवी के आगे इतने मजबूर हो गए कि मेरे बच्चों का भी हक पल्लवी को देने को तैयार हो गए। एक बार उन पेपर्स पे मैंने साइन कर दिया तो वो सब कुछ जो 30 साल तक मेरा था मेरा नहीं रहेगा। माँ, माँ, यहाँ आइए ना। माँ आइए ना, जल्दी आइए। आइए आइए। क्या हुआ, तू ये बुत बन के क्यों खड़ी है? एक मिनट माँ, यहाँ आइए, ये देखिए कैसा लगा आपको। कल मैं मार्केट में गई थी ना, तब मैंने ये बनवाया। अच्छा है ना माँ, आपका नाम मेरी माँ का नाम, आपकी असली पहचान। शारदा, इतने सालों बाद मैं ये नाम पढ़ रही हूँ। इस नाम को तो 30 साल पहले पीछे छोड़ी थी। पर देखिए ना, 30 साल बाद वही नाम आपके दरवाजे तक, आपकी पहचान। सही है, नया नाम, नया घर, नया काम, आपकी जिंदगी की एक नई सुबह हो चुकी है माँ। हाँ बेटा, और इस नई जिंदगी का सूरज तू है बेटा। अगर मैं और मेरे बच्चे साथ हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हम मिलकर अपने लिए नया आशियाना, नई जिंदगी बनाएंगे। नहीं चाहिए किसी का सहारा। करण, तुम आज पहले दिन लेट आए हो। सॉरी सर, एक अर्जेंट काम आ गया था, अवॉइड नहीं कर पाया। ऐसा क्या काम था करण? फैमिली मैटर है सर। तो फैमिली मैटर्स फैमिली के टाइम पर सॉल्व किया करो, नॉट एट द ऑफिस टाइम। ये सुरेश मोदी का बेटा यहाँ कालिया क्यों कह रहा है? उसे तो अपने बाप के ऑफिस में होना चाहिए ना। करण, मेरे ऑफिस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरे ऑफिस के रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ने की कोशिश करे, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है तुम्हें। होप तुम्हें मेरी बात समझ में आई होगी। यस और नो? यस सर। दैट्स बेटर। अब जाओ और अपना काम करो। पल्लवी अचानक कहाँ चली गई और फोन क्यों नहीं उठा रही? शनाया, अरे तुम अचानक, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? मैं रिसीव करने के लिए गाड़ी भेज देता। सिर्फ अचानक कैसे? ऑफ कोर्स कॉलेज की छुट्टियां होंगी, है ना? मॉम, मेरा रूम कहाँ है? वो ऊपर दूसरा वाला। बेटा, क्या हुआ बेटा? मुझसे बात तो करो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था बेटा। ओह रियली? तो फिर आप ना मुझे मिस करने की आदत डाल दीजिए। मिस्टर महेश अजमेरा, सॉरी मिस्टर सुरेश मोदी, राइट? शनाया, ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का? मैं तुम्हारा डैड हूँ। डैड? पल्लवी, सब क्या हो रहा है? तुम लोग मेरे साथ इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? देखो पल्लवी, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, बच्चों से कितना प्यार करता हूँ, और तुम लोगों के चेहरे पे खुशी देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी? Anyway, कल मैंने शारदा को ऑफिस में बुलाया है कुछ इंपॉर्टेंट पेपर साइन करने के लिए। आई होप
तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? वो मान गई। मान गई? उसके पास और कोई ऑप्शन ही कहाँ था? And I'm sure उस वक्त ऑफिस में तुम भी जरूर रहोगे, you know, कुछ formalities के लिए। और अगर तुम ना भी आए तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। So don't worry, तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। मैं कल ऑफिस पहुंच जाऊंगा। बेटर।